आपने हरीम शाह का भी काम देखा? काम क्या है? मैंने वो कौन सी जगह पर जाकर वीडियोस बनाना, वो काम है, टिकटॉक काम है। काम वो होता है जो बंदा एक्ट्रेस की तरह काम कर रहा होता है, फिल्में बना रहा होता है, वो काम होता है। मुझे व्हाट्सएप पे एक क्लिप मौसूल हुआ अभी मतीरा का, और जिसमें मतीरा मेरे बारे में बहस कर रही हैं और उनसे मेरे बारे में क्वेश्चन हुआ, तो कह रही हैं कि उन्होंने किया क्या है और क्यों फेमस हैं। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतीरा में ये कहूँगी कि माशाल्लाह कुछ किया भी नहीं है तब भी आपसे बहुत ज़्यादा है मेरी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे, और मैंने आपकी तरह कंडम के इश्तहार भी नहीं किए और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी कभी कि मैं लोगों को कंडम के बारे में अवेयरनेस दूँ और या तो मुजरे डांस करूँ और ओके बोलती हूँ या मुजरे डांस करूँ, वो कौन से होते हैं जो एटम सॉन्ग पे डांस करूँ, ये एक्चुअली मैं करने के लिए नहीं आई थी और ना मुझे ये सब कुछ करना था और ना मुझे इसके बाद करना है। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ करके भी आप वो फैन फॉलोइंग हासिल नहीं कर सकी, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं ले सकी जो कि मैंने कुछ ना करके ले ली। ये नसीब और किस्मत की बातें थी, मुकद्दर की बातें थी, जेलस होने की कौन सी बात है। और ना ही तो मैंने आपकी तरह कोई आर्टिफिशियल लिप्स लिप फिलर करवाए और आर्टिफिशियल बूब और आर्टिफिशियल बटेक्स और वट एवर, आप ऊपर से लेके नीचे तक सारी की सारी आर्टिफिशियल है मैडम। मैं तब तक किसी को कुछ नहीं कहती जब तक कोई मेरे बारे में कुछ ना बोले, लेकिन जब कोई मेरे बारे में कुछ बोले ना तो मैं उसे हकीकी मानों में आईना दिखाती हूँ, असलियत दिखाती हूँ। और शायद आप भूल गई होंगी किसी होटल वाली मुलाकात कि मेरी और आपकी मुलाकात कैसी हुई थी और आप किस काम के लिए वहाँ पर आई थी, और वो सब शायद कि आप भूल गई हैं। और इसके बावजूद आपको जब इंटरव्यूज़ करना था, इंटरव्यू करने होते हैं मेरे, या आपने इंटरव्यू में बुलाना होता है तो उसके लिए भी मिन्नतें आप ही लोग कर रहे होते हैं, क्यों बुलाते हैं? अच्छा, मुझसे इंटरव्यू क्यों लिया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे मैं तो कुछ नहीं थी ना, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर इसके बावजूद आपको क्यों मिन्नत समाजित करनी पड़ी कि प्लीज़ मेरे इंटरव्यू के लिए आ जाएं, मुझे आप इंटरव्यू दें, मुझे आप अपना टाइम दें। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी मुलाकातें हैं, लेकिन आपने कौन सा कारनामा किया जो कि तारीख के औराक में आपका नाम दर्ज है मतीरा? और बस मैं यही कहूँगी कि पीसी होटल वाली मुलाकात याद रखें कि वहाँ पे किस काम के लिए आप आई थी, और अपने आपको एनालाइज करें, जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी तरह नहीं हूँ, ना बुजदिलूँ और ना किसी से जेलस होती हूँ, और इसके बावजूद फिर ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपसे नाम और आपसे मकाम बहुत ही ऊंचा है और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, कभी आपको जवाब ना देती लेकिन आप ही की बातों का जवाब है। वो कहते हैं ना, तुम हमसे टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।